राम राम जी सारा भाई बहना ने, सारे भाइया ने रक्षाबंधन की स्पेशल राम राम। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे गांव राखी बांधने। तो राखी तो बांधूंगी मुहूर्त के हिसाब से, लेकिन अभी 10:30 के लगभग टाइम हुआ है, तो हम टाइम से घर पहुँच जाएंगे। तो ये देखो साहब जी गाड़ी चला रहे हैं, बच्चियाँ पीछे बैठी हैं। कुछ चलाया है नहीं इनको, इसलिए ये खाने के बोल रहे कि पापा कुछ खाने को खिलाओ। तो अभी इनको ये हमारा कांकड़ गांव का ये मेरे गांव का कांकड़ इसको रोज क्रॉस करके ये डीके साहब चुड़ैला जेजेटी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं ना, वहाँ जाते हैं तब रोज बोलते हैं कि मैं तेरे गांव के कांकड़ में से निकल के आता हूँ, कांकड़ में से जाता हूँ। ये इनकी भाषा है कांकड़ वाली कांकड़े आजकल स्टैंड बोला लगे थाल स्टैंड पर की। अभी इन्होंने एक धर्म की बहन बनाई है, तो उनसे हम राखी बंधाएंगे और आप सबको वीडियो दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कर दिया तो इसको कर दिया तो आपको सबको अपनी अपनी बहनों की कसम लगी, क्योंकि आज बहनों का दिन है रक्षाबंधन स्पेशल। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखना। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं उनके पास, क्योंकि उससे वो दीदी यूनिवर्सिटी में आती है, वहाँ पीएचडी कर रही है, पीएचडी कर रही है। तो वो वहाँ आएगी, तो उसने बोला कि मैं यहीं रक्षाबंधन मना लूँगी भाई साहब। तो फर्स्ट रक्षाबंधन है इन दोनों भाई बहनों की धर्म की। तो हम अभी राखी बंधवाएंगे, तब आपको वीडियो दिखाएंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो और एक दूसरे का सपोर्ट कराया करो। ललिता चुरू ब्लॉग्स में थारा बहुत बहुत स्वागत है, और एक थोड़ो सो भी मेरे पर मेहरबानी कराया करो कि लाइक ज़रूर कर दिया करो। ये है मेरे गांव का स्टैंड, बिरमी गांव, बिरमी का स्टैंड है। और ये है मेरे गांव का जो बिरमी स्टैंड है, वहाँ पे हमारी पंचायत लगती है। ये यहाँ का गोदाम है और यहाँ पे ग्रामीण बैंक है, तो यहाँ से हमें कोटा वगैरह मिलता है। और ये जो ये बाउंड्री है, इस स्कूल में मैं पढ़ी हुई, बहुत ही शानदार बड़ी स्कूल है, पंचायत ग्राम पंचायत। और ये इधर देखो ग्राम पंचायत, यहाँ पे ये स्कूल, और ये मेरी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरमी झुंझुनू। ये देखो बहुत ही शानदार स्कूल है, यहाँ पे एक सत्यवीर जी गोदारा नाम से टीचर आया करते थे। तो सबसे पहले मतलब उस सर ने ही स्टार्ट किया था कि पेड़ लगाना इस स्कूल में। बड़े पेड़ थे कुछ थोड़े, लेकिन ये नहीं कह रही कि सारे उस सर ने लगाए थे, लेकिन स्टार्ट उस सर ने किए थे। मतलब उनका नाम तो थे सत्यवीर जी गोदारा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते थे, तो उनका सब बच्चों ने सारे टीचरों ने ज्ञान प्रकाश नाम कढ़ा रखा था। तो सारे पेड़ उसी सर ने लगाए थे, क्योंकि वो सर मतलब नेचर के बहुत अच्छे थे, किसी को कुछ गलत बोलना कुछ उनके स्वभाव में नहीं था, बहुत अच्छे सर थे। तो ये देखो अभी बिरमी से हम निकल चुके हैं, हम आ गए हैं तिलोकाबास। ये जो तिलोकाबास के अंदर हम एंट्री करते हैं, उसी टाइम एक मंदिर आता है, एक जो फौजी भाई साहब है जो शहीद हुए हैं, हरफूल सिंह नाम है शायद उनका, तो वो बहुत ही पुराने सबसे ज़्यादा सेकावाटी के ही शहीद हुए हैं, जवान झुंझुनू के स्पेशली, झुंझुनू प्रॉपर झुंझुनू के स्पेशली बहुत ज़्यादा शहीद हैं। ये देखो ये मंदिर है तिलोकाबास में जाते हैं, और ये रही हरफूल सिंह भाई साहब की मूर्ति। ये देखो भाई साहब को सत सत नमन, ये रहे।